नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। लगातार पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण, पानीपत में उठने लगी लॉकडाउन की मांग। बाजार बंद करने को लेकर जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह से मिले विभिन्न एसोसिएशन एवं संगठन के लोग। जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा हरियाणा में जल्द लग सकता है लॉकडाउन। विधायक ने कहा लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री से भी कर चुके हैं बातचीत, कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बेहद आवश्यक। ऑक्सीजन न मिलने के कारण हर तरफ बिगड़ते जा रहे हालात। इसराना एनसी मेडिकल कॉलेज में पति के नाक पर टूटी फूटी ऑक्सीजन की नली लगाए बैठी रही पत्नी, लेकिन नहीं बचा पाई पति की जान। परिजनों ने कोविड सेंटर पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप, पत्नी का रो रोकर बुरा हाल। पत्नी ने कहा अगर प्रॉपर दी जाती ऑक्सीजन तो बच सकती थी जान। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिविल अस्पताल में शुरू की गई हेल्प डेस्क। अस्पताल में भर्ती न करने व बेड न मिलने संबंधी सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। महामारी के कहर के चलते एसडीएम संभाल का वीरेंद्र हुड्डा ने किया हल्के का दौरा। ऑक्सीजन के सवाल पर एसडीएम ने कहा जिले में नहीं ऑक्सीजन की किल्लत, जो भी अस्पताल भेज रहा ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही पूरी। एसडीएम ने लोगों से की अपील कोरोना गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से करे पालन। अत्यधिक मामले सामने आने के कारण संभाल का हल्के के गांव मनाना, टिटाना व नारायणा को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। थाना पुराना औद्योगिक पुलिस ने अवैध शराब सहित युवक को किया काबू। बाइक व मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी से 2 बाइक व 8 मोबाइल फोन हुए बरामद। चोर गिरोह के 3 सदस्यों को सीआईए पुलिस ने करनाल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर की पूछताछ। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच 1 मई से पानीपत सहित पूरे देश में 18 प्लस को वैक्सीनेट किया जाएगा। 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए नियमों में भी बदलाव किया गया। 18 प्लस युवाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए अब पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही उन्हें वैक्सीन लगेगी, जिसके चलते पानीपत के कुछ युवा रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन युवाओं का कहना है कि अब तक उनके पास कोई भी मैसेज नहीं पहुंचा है कि वैक्सीन कब और कहां लगेगी। रजिस्ट्रेशन तो जी करवाया है, मैसेज वगैरह तो अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं। 1 तारीख से, कल आने वाली 1 तारीख से कह रहे हैं स्टार्ट होगा 18 साल की उम्र से ऊपर लगने वैक्सीनेशन। रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया जी ऑनलाइन, मगर कोई मैसेज कुछ आए पता तो लगे जी कहाँ लगेंगे, कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पे लगेंगे, क्या टाइमिंग है, कुछ उसका तो कोई अपडेट आया नहीं जी, कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। सर रजिस्ट्रेशन करवाया है ना, तो सेंटर का पता कहाँ पे है ना, डेट आई है अभी कब लगेगा कब नहीं लगेगा। जब इस बारे में नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष पासी से बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि उनके पास अभी तक 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों को ही वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन मौजूद है। 18 वर्ष से ज्यादा के युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास अब तक कोई वैक्सीन की डोज नहीं पहुँची है। हम तो तैयार है और हमारा सिस्टम तो तैयार है, पर वैक्सीन अभी तक 18 से 44 साल वाली हमारे पास लॉट में हमारे पास लॉट नहीं की गई है, ना ही मेरे पास वैक्सीन उनके उस लॉट के लिए अवेलेबल है। नहीं वैक्सीनेशन तो रहेगा स्टार्ट, हमारे पास 45 प्लस लोगों के लिए तो वैक्सीनेशन अभी भी है और अब भी जारी है और आने वाले 2-3 दिन तक भी वैक्सीन मेरे पास अवेलेबल है, उनको हम करते रहेंगे सुचारू रूप से। इसलिए लगता है कि कल पानीपत के हॉस्पिटल में 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीन नहीं लगेगी। वही जब इस बारे में करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया से बातचीत की गई, तो उन्होंने हवा में बातें करना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे पास वैक्सीन का फुल स्टॉक है और हर व्यक्ति को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा उठता है कि अगर सरकार के पास वैक्सीन के डोज पूरे हैं, तो पानीपत के सिविल अस्पताल में वह समय रहते क्यों नहीं पहुंची? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई और पूरा विचार कर इस पर और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगेगा, पूरे हरियाणा के लिए लॉकडाउन लगेगा और जब तक ये चैन नहीं टूटेगी तब तक आप ये मान के चलिए कि ये दर है जो कोविड की वो दर कम नहीं हो पाए, विमर्श कर इसको लॉकडाउन लगाने की उम्मीद हम मान सकते हैं। कब तक? जल्दी ही इस पे सरकार फैसला लेगी। सुना आपने, यह विधायक है जींद के, जिन्होंने कहा कि जल्द हरियाणा में लॉकडाउन लगेगा, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर चुके हैं। कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं, आए दिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वही टेस्टिंग कम होने के बावजूद भी एक्टिव केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार जहां बरसक प्रयास करने के दावे कर रही है, वही ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर को लेकर हाहाकार है। दवाई इंजेक्शनों को लेकर कालाबाजारी का खेल खेला जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी लाचार दिख रही हैं। जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा
की हालात बेकाबू हो गई हैं और इसे रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना बेहद ही जरूरी हो गया है, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री को इससे अवगत करा चुके हैं और जल्द ही लॉकडाउन हरियाणा के अंदर लग सकता है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है, यदि लॉकडाउन नहीं लगता और सख्ताई नहीं होगी तो कोरोना वायरस की चेन को नहीं तोड़ा जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लॉकडाउन न लगाने की बातें कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खट्टर सरकार के विधायक दूसरी तरफ दावे कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा में लॉकडाउन लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी दहल का। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और आमजन की परेशानियों को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों को भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने की अनुमति दे दी है। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का स्वास्थ्य विभाग की बिना परमिशन के इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन अस्पताल में फिजिशियन का होना आवश्यक है, जिसकी जानकारी जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने दी और बताया कि उन्होंने सभी निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन की डिमांड मांगी है, लेकिन जिले में सिर्फ 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, जिसमें से सभी अस्पतालों को उनके ऑक्सीजन बेड व वेंटिलेटर की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि नॉन कोविड अस्पताल को भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें घर पर सप्ताह में 1 या 2 सिलेंडर भिजवाए जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ऑक्सीजन वितरण की रहेगी। नहीं देखिए, वो तो हम कोविड हॉस्पिटल की परमिशन जितने मैक्सिमम आए, आज के दिन महामारी है, हमें तो मैक्सिमम बेड चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की लिमिटेड स्टॉक है पूरे देश में ही। जो भी स्टॉक है वो डिवाइडेड है, हर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो टैप्ड है और उसमें गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा कोटा फिक्स है, कौन से स्टेट को कहाँ कितना मिलेगा। जो स्टेट को मिल रहा है उसने डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा हुआ है। हमारे 5 मैट्रिक टन का कोटा हमारे डिस्ट्रिक्ट को एलोटेड है, तो 5 मैट्रिक टन में हम जितने भी कितने ऑक्सीजन बेड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने आईसीयू बेड्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, वही तो दिया जाएगा। उससे ज़्यादा देंगे फिर वो ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएंगे। तो अब हाल ही में हमने तो पर्पज़ यही था बीच में, क्योंकि अब लिमिटेड कोटा होने के बाद ब्लैक मार्केटिंग, जो जिसको हॉस्पिटल को चाहिए उसको मिले नहीं, इसलिए भी इस पर सारा दो तीन दिन से एक्सरसाइज करके किस हॉस्पिटल में कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर बेड हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, उस बेसिस पे कैलकुलेशन की गई है और वो कैलकुलेशन के बेसिस पे किसको कितने सिलेंडर देने हैं, हमारे पास टोटल कितने सिलेंडर हैं, उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रल। वही दूसरी ओर अपनी जान पर खेलकर कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार करने वाले जन सेवा दल के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें जल्द से जल्द पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वह पीपीई किट की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। पिछले एक साल से वह अपने निजी खर्च व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पीपीई किट का बंदोबस्त कर रहे हैं। जन सेवा दल के सदस्यों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजाना वह न जाने कितने लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय समय पर पीपीई किट तक भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। जब इस बारे में डीसी धर्मेंद्र सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है, जल्द से जल्द उन्हें पीपीई किट मुहैया कराई जाएगी। जन सेवा दल ने आरोप लगाया सर, उनके पास पीपीई किट भी नहीं है कि वो अंतिम संस्कार करते हैं, तो उससे उनका भी परिवार नहीं। हाँ बात हुई है, आज बात हुई है, कमिश्नर से भी बात मैंने की है, पीपीटी हो सकता है वहाँ पे कोई कमी रही हो तो वो इमीडिएटली उसको जो भी परचेज करने के लिए वो बोला गया, कोई कमी नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी दहल। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते युवक को CIA2 पुलिस ने 10 इंजेक्शन व कार सहित काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान हिमांशु उर्फ गोलू निवासी शिवनगर पानीपत के रूप में हुई। आरोपी इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के लिए जा रहा था तो CIA2 पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार व 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित आरोपी को चौटाला रोड शिवा के पास से काबू किया। आरोपी युवक BSc पास है और शिवनगर में किरियाने की दुकान चलाता है। एक इंजेक्शन को आरोपी 30,000 रुपए में बेच रहा था।
प्रारंभिक अनुसंधान में इंजेक्शन के रैपर को गहनता से देखने पर कंपनी के इंजेक्शन में बरामद इंजेक्शन में काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वस ने बताया कि CIA2 पुलिस ने थाना औद्योगिक क्षेत्र 29 के अंतर्गत चौटाला रोड से कार सवार युवक को अवैध रूप से रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 10 इंजेक्शन सहित गिरफ्तार किया है। ये जो फर्जी रेमडेसिविर का जो इशू चला हुआ है, दो गैंग हमारी CIA1 के, एक हमारी CIA1 की टीम ने, एक CIA2-3 की टीम ने और एक CIA2 की टीम ने भी आज एक लड़के को गिरफ्तार किया, हिमांशु गर्ग नाम के लड़के को गिरफ्तार किया। उससे 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। वो सेम मार्गा है जो पहले दो गैंग से बरामद किया गया है। तो इस बारे में उनको कल पेश अदालत में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, फर्दर उनसे पूछताछ करेंगे। ये लगता है एक ही गैंग है, एक ही सप्लायर ने इनको सप्लाई किया है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और गहराई से इनसे पूछताछ करके और जहाँ जहाँ इन्होंने बेचे हैं गहराई से पूछताछ करके सारा रिकवरी की जाएगी और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर विजय राजे की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ ड्रग व कॉस्मेटिक एक्ट व IPC की विभिन्न धाराओं के तहत थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। गहनता से पूछताछ के लिए आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि और भी बड़े खुलासे हो सके। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन में वेंटिलेटर नहीं मिलने से संक्रमित मरीज जान गंवा रहे हैं। दरअसल एक पत्नी अपने सुहाग की जान बचाने के लिए घंटों पति के नाक पर ऑक्सीजन की टूटी फूटी नाली लगाए बैठी रही, लेकिन फिर भी वह अपने सुहाग की जान नहीं बचा पाई। दरअसल गन्नौर के रहने वाले मृतक नरेंद्र को पिछले 4-5 दिन से सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद परिजन उसे गन्नौर के ही एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से ऑक्सीजन न होने के कारण मरीज को पानीपत के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल प्रशासन ने उसे COVID-19 NC मेडिकल कॉलेज इसराना में रेफर कर दिया। परिजनों ने अस्पताल व कोविड सेंटर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ऑक्सीजन नली के आगे लगा ऑक्सीजन मास्क ही टूटा हुआ था। नली को हाथ में पकड़कर घंटों डायरेक्ट नाक से ऑक्सीजन पहुंचाई। पत्नी ने आरोप लगाया कि अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन दी जाती तो उसके पति की जान बच सकती थी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी ने बताया कि जब वह इस हालात में थे तब अस्पताल कर्मचारी उन्हें देखकर हंस रहे थे और मौत के बाद कहते हैं कि अगर हंगामा किया तो डेड बॉडी नहीं देंगे। मरीज लेके आए सर, तो हमें बेड मिल गया वहाँ पर, तो ऑक्सीजन वहाँ पर थी नहीं भी, मतलब थी लेकिन उनका उस पर मास्क नहीं था। मैंने पकड़ के अपने हाथ से लगाया सर। अब आप बताओ ऐसा गरीब इंसान के साथ करेंगे तो हम कैसे करेंगे सर, ये बताओ आप कैसे। ये इसमें सिराना NC कॉलेज। हाँ जी NC कॉलेज। दिक्कत क्या थी? दिक्कत सांस में दिक्कत थी और उन्होंने बिल्कुल वो मास्क दे देते तो थोड़ा काम चल जाता सर। हमने टूटा हुआ मास्क भी ऊपर से पहनाया मैंने उसको और लोच रहे बिल्कुल और यू देख के हंस रहे वो बिल्कुल। एक बात बताओ ऐसे तो ये कितनी पब्लिक मरेगी है? ये दुनिया को मारना चाह रहे हैं है? इनको शर्म बिल्कुल भी नहीं है सर है? और फिर मेरे को क्या कह रही है, मैं बोली मैं कहा हंगामा करूंगी मैं, फिर उसके बाद मेरे को मनाने आए वहां पर कह रहे अब तुम्हारी डेड बॉडी दे देंगे, चुपचाप डेड बॉडी ले लेना, शोर करोगे और तो डेड बॉडी नहीं देंगे तुम्हें हम। ये एक हफ्ता पहले गन्नौर में दाखिल करवा गया है इसमें शर्मा हॉस्पिटल में, वहाँ से कल शाम को उसने जवाब दिया ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास। अगर उसके पास ऑक्सीजन अरेंजमेंट नहीं था डॉक्टर के पास तो उसने इस मरीज को एडमिट ही क्यों किया, और इसने परिजनों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना हॉस्पिटल की जिम्मेवारी थी कि ना कि मरीज की, इसने एंड टाइम पे क्यों किया? पहले तो इस प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने लूटा इस गरीब आदमी को, उसके बावजूद NCR से पानीपत सिविल हॉस्पिटल को रेफर कर दिया, सिविल हॉस्पिटल NCR में कर दिया सिराना में,
इस राणा में जाने के बावजूद इसकी देख रहे एक बार तो ऑक्सीजन जब तक परिवार परिजन मौजूद रहे जब तक ठीक चलाई, उसके बाद इसकी वो कैप कूप उड़ा दी ने नली, जो ऑक्सीजन नली होती है वो टूटी फूटी लगाई गई। और इसकी लेडीज, इसकी घरवाली, पेशेंट जिस जो एक्सपायर होया लड़का, इसके घरवाली खुद जोड़ कर ले रही। कोई मतलब शिकायत नहीं पहुंची है, अगर ऐसी शिकायत आएगी तो जांच करवाई जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह की महामारी चल रही है, उस बीच इस तरह मास्क ना मिलना, ऑक्सीजन मास्क ना मिलना, तो ये लापरवाही तो है ही। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर मेरे पास कोई इस तरह की कोई शिकायत लेके आएगा तो उसके बारे में उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। आप एनसी कॉलेज की बात कर रहे हैं या हमारे अस्पताल की बात कर रहे हैं? एनसी कॉलेज की एडमिशन से पूछिए ना, उनके पास क्या स्टॉक है। हमारे पास तो सभी मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। देखना होगा कि परिजनों की शिकायत के आधार पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन हालात आप देखिए हर तरफ किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए आप सभी को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। महामारी के कहर के चलते संभाल का एसडीएम वीरेंद्र हुड्डा ने हल्के का दौरा किया और शहर में कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है स्थिति का जायजा लिया। शहर के दौरे के दौरान जब उनसे ऑक्सीजन की कमी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिले में अभी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, जो भी हॉस्पिटल ऑक्सीजन की डिमांड भेज रहे हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। यहां तक कि नॉन कोविड अस्पताल के ऑक्सीजन की डिमांड को भी पूरा किया जा रहा है और सुचारू रूप से ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अस्पतालों के माध्यम से ऑक्सीजन की मांग करें, स्वयं नहीं, क्योंकि उन्हें संदेह है कि कोई ऑक्सीजन का स्टॉक न कर रहा हो, इसलिए सहयोग करें। इसी बीच उन्होंने कंटेनमेंट जोन का भी दौरा किया कि लोग कितनी सतर्कता बरत रहे हैं। अभी हमारे जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जो भी हॉस्पिटल हमारे को ऑक्सीजन की अपनी डिमांड भेज रहे हैं हम सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई कोविड हॉस्पिटल है तो उसका कोटा हमारे सीएमओ की डीसी साहब की कमेटी ने डिसाइड कर रखा है। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड के बजाय दूसरे पेशेंट्स भी हैं और उसकी ऑक्सीजन की डिमांड है, हम वो भी पूरी तरह वो कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल को ऐसा नहीं है जिसको हमने ऑक्सीजन ना दी, हमने सबको दी है जिन्होंने। अभी यहाँ पर भी रेलवे रोड पर भी हम वही चेक कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पे हमने एंट्री एग्जिट उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि मूवमेंट ना हो। लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर रहें, बिना वजह के बाहर ना निकलें। और अनावश्यक आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। संभाल का सीसीटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। संभाल का हल्के में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते जिस क्षेत्र से अत्यधिक मामले सामने आ रहे हैं उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। गांव मनाना, टिटाना व नारायणा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तहत पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लॉकडाउन जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, जो कि तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अनावश्यक चीजों की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी और अनावश्यक आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। संभाल का थाना प्रभारी अंकित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नारायणा, बनाना व टिटाना गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्योंकि यहां से अत्यधिक मामले सामने आ रहे हैं। संभालके में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, मनाना, नारायणा और अपना टिटाना, जिसमें कई जो थे कोविड के पेशेंट्स आ गए थे तो वहाँ पे अपने मुलाजिमों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि भाई वहाँ पे वो जो है ना संक्रमण ना फैले। वही आपको बता दें कि अगर कोई माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कानून की अवहेलना करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संभाल का सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिविल अस्पताल में हेल्प डेस्क की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते अब लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी
और अस्पताल संबंधी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अस्पताल में बेड न मिलने, भर्ती न करने, प्लाज्मा टेस्ट रिपोर्ट समय पर न मिलने संबंधी सभी परेशानियों का समाधान किया जाएगा, जिससे मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस मौके पर पहले दिन ही सांसद संजय भाटिया व अर्चना गुप्ता ने सब लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान कराया। सांसद संजय भाटिया ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। हेल्प डेस्क अभी जैसा जिला देखिए आपको पूरी डिटेल में बताइए, अलग अलग ड्यूटियाँ लगानी चाहिए, मैं अभी डिटेल में इनसे बात भी करके जाऊँगा। टाइम मतलब एक ही व्यक्ति सारा दिन ना बैठा रहे, क्योंकि इतने लोगों को डील करना, उनकी सोल्यूशन करना, तो दो तीन घंटे चार घंटे के लिए एक टीम बैठे, अगले तीन चार घंटे के लिए दूसरी टीम बैठे, ऐसे तीन चार टीमें ज़रूर बैठे। और जो अलग अलग कार्य हैं, किसी को मेडिसिन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को प्लाज्मा की प्रॉब्लम आ रही है, और किसी को एडमिशन की भी आ रही है, किसी को टेस्टिंग की आ रही है। और जैसा है अभी आपने बताया कि एक एक बेड पर दो दो तीन तीन, मैंने भी वो फ़ोटो देखा था, एक कहीं का फ़ोटो आया हुआ था कि उस बेड के ऊपर डेड बॉडी भी थी और दूसरा पेशेंट, हाँ यही कहे ना, तो उन्होंने दूसरा मतलब वेट करने की स्थिति में नहीं था पेशेंट, इतने में उसको डिस्चार्ज स्लिप बनती, इतने में ही उस दूसरे पेशेंट ने उस बेड को ऑक्यूपाई किया। स्थिति है, देखिए इस तरह की स्थिति का आकलन जो हर रोज़ के आधार पर होता है, ऐसी कभी जीवन में ऐसा घटेगा, पिछले 50 सालों में तो ना जो पुराने लोग हैं कभी किसी ने आज तक ऐसी देखी नहीं, और अभी जो दूसरी बार कोरोना की वेव आई है वो मल्टीप्लाई हो रही है। वही इस विषय पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सैंपल रिपोर्ट देरी से आने के कारण बेहद ही समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते सबसे पहले गर्भवती महिलाओं के लिए इमरजेंसी रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध कराई जा रही है, और इसी प्रकार से सभी समस्याओं का हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा। देखिए जो ये मामला है ये मेरे संज्ञान में है, उसके लिए मैंने CMO साहब को रिक्वेस्ट करी थी कि जो गर्भवती महिलाएं आएं उनका रैपिड टेस्ट से जो है रैपिड किट से टेस्ट करके और उनकी डिलीवरी का तुरंत जो है समाधान करा जाए, क्योंकि ये आपके भी संज्ञान में है कि नंबर इस टाइम कोविड के पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा है और जो हमारे यहाँ पे लैब की कैपेसिटी है वो 600 के करीब है, तो इस वजह से जो है रिपोर्ट्स थोड़ी पोस्टपोन हो रही हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए हम एमरजेंसी में रैपिड टेस्ट किट्स अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि उनका रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट हो जाए और उनकी समस्या का समाधान हो सके। रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।